us start the next sum. The next sum is 1 upon, again quadratic equation we observe here. So what I will do, whenever you observe quadratic equation, you have to take it away. 3 minus 10x minus 25x. बरोबर से देखना, फर्स्ट स्टेप में मैं 25 कॉमन लूंगा. अगर मैं 25 कॉमन निकालूंगा तो व्हाट आई विल गेट 3 अपॉन 25 माइनस 10 अपॉन 25, और ऐसे 25 कॉमन निकाल तो x पर बनेगा. याद रखना, ये हो गया. नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करने वाला हूं बरोबर से देखना, बिकॉज प्रीवियस में कॉमन लेने के बाद क्या हुआ था, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 हुआ था. वी गॉट एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, यहाँ पे भी 1 मिल गया, पर यहाँ पे निगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव था. तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा पता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही चाहिए, पॉजिटिव 1. तो मैं क्या करने वाला हूँ नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ से इन इसमें से और एक्स टर्म में से कॉमन निकालूंगा माइनस. ओके, इसके पास माइनस हो या ना हो उससे मतलब नहीं, मगर इसके पास माइनस है. ओके, अगर इसके पास भी माइनस है तो इफ आई टेक माइनस साइन कॉमन तो ये एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा. क्या क्या को पॉजिटिव हो जाएगा, 10 अपॉन 25. बरोबर, अगर ये पॉजिटिव होता तो ये खुद निगेटिव बन जाता, उससे मुझे मतलब नहीं, पॉजिटिव है निगेटिव अकॉर्डिंग टू दैट इफ आई टेक माइनस साइन कॉमन वो चेंज हो जाएगा. बट द मेन कंडीशन इज व्हाट, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इज माइनस 1, तो मेक इट पॉजिटिव, क्योंकि मुझे पॉजिटिव चाहिए. ठीक है, तो दैट इज व्हाट योर मेन इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर निगेटिव, इसके लिए इंपॉर्टेंट था इस सब के लिए. अभी मुझे क्या करना है, दैट यू नो दैट. बरोबर से देखना सब लोग, नाउ आई एम गोइंग टू डू द नेक्स्ट स्टेप. नेक्स्ट स्टेप में मैं करने वाला हूँ, बरोबर से देखना स्टूडेंट्स, 3 बाय 25 माइनस, अंदर ही अंदर है, बरोबर से देखना, एक्स स्क्वायर प्लस 10 अपॉन 25. अभी मैं क्या करने वाला हूँ पता है, आई एम गोइंग टू ऐड, व्हाट आई एम गोइंग टू ऐड, आई एम गोइंग टू ऐड हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट, स्क्वायर ऑफ द हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स. तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना दिख रहा है इधर, 10 अपॉन 25. तो 10 अपॉन 25 का हाफ कितना होगा बताओ मुझे, 10 अपॉन 25 का हाफ होगा 2 1 2 2 5 5 भोजन पूछेंगे why you add? Because previous में आपने एक बार प्लस किया था तो एक बार माइनस किया, यहाँ पे प्लस कर रहे हो, अगेन यहाँ पे भी प्लस कर रहे हो, नहीं एक्चुअली मैं यहाँ पे प्लस नहीं कर रहा स्टूडेंट्स, पता है क्यों, बिकॉज देयर इज अ माइनस साइन आउटसाइड, सिंस देयर इज अ माइनस साइन आउटसाइड एक्चुअली आई एम नॉट एडिंग, आई एम एडिंग इनसाइड, बट एक्चुअली द होल टर्म्स के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ, तो इसलिए वो माइनस करने की वजह से मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ा, उसका स्क्वायर का प्लस करना पड़ा. अभी मेरा एकदम इजी क्वेश्चन हो गया, बिकॉज द नंबर्स ये 3 बाय 25 एंड 1 बाय 25 का डिनोमिनेटर इक्वल है, तो 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, डायरेक्ट 4 बाय 25. एंड हियर आई एम गोइंग टू राइट स्टूडेंट्स डायरेक्टली देखना, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है x, थर्ड टर्म क्या है 1 बाई 5, बीच में साइन क्या है प्लस, कुछ सोचने का नहीं, डायरेक्ट द होल स्क्वायर लिखने का. एंड 4 अपॉन 25 अगर सोचा जाए तो 4 अपॉन 25 इज द स्क्वायर ऑफ 2 बाई 5, डायरेक्टली कर, बिकॉज मुझे स्क्वायर में ही लिखना है उसको, बिकॉज आई एम गोइंग टू अप्लाई द फॉर्मूला एंड इन विच ए इज व्हाट स्क्वायर. ठीक है, अभी आई विल दिस पर्टिकुलर सिंप्लीफिकेशन कम्स फ्रॉम दिस डिनोमिनेटर, तो डेफिनेटली आई विल सिंप्लीफाई द डिनोमिनेटर, सॉरी आई विल रिसब्स्टिट्यूट दिस पर्टिकुलर थिंग इन द डिनोमिनेटर. तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon the whole thing will enter into denominator. What is that? The whole thing? 25. 2 by 5, the whole square, minus x plus 1 by 5. Abhi mujhe batao, yahan pe function is negative. So what is the which formula I'm going to apply? Pakistan. So Pakistan ka formula kya kehta hai? Dekho. Kya kehta hai? 1 upon 2a. A kya hai humara? 2 by 5. Log of a minus. आपको पता है पाकिस्तान का बेस इज निगेटिव, तो नीचे माइनस आएगा ऊपर प्लस आएगा, ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. 2 बाय 5 एक्स प्लस 1 बाय 5, 2 बाय 5 अभी माइनस की वजह से संभाल के रखना, एक्स प्लस 1 बाय 5 बस, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर. इफ आई वांट टू सिंपलीफाई, इफ यू वांट टू सिंपलीफाई सिंपलीफाई, अदरवाइज लीव इट. तो यहाँ पे देखो 5 5 इज 25 हो जाएगा, यहाँ पे सिंपलीफाइड आंसर विल बी व्हाट, 4 2 इज 4 5 इज 20. अभी सिंपल मैथमेटिक्स से इसको देखो संजना, यू कैन सी हियर what is the coefficient of x here, 1, denominator दोनों का 5 है, so what I will do, I will multiply divided by 5, तो यहाँ पे 5x हो जाएगा, okay, at 2 plus 1, 3, तो 5x plus 3 हो जाएगा यहाँ पे, और upon क्या हो जाएगा, 5x, और ये minus 1 हो जाएगा, 2 minus 1, 1, तो 1 minus 5x, this is what your simplified answer, okay, hope so you understood the numerical, please all of you copy.